अपनी पिछली कई फिल्मों के जरिए साउथ के सुपरस्टार कार्ती ने अपनी पहचान एक पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर बना ली है। उन्हें लोग अब पैन इंडिया जानने लगे हैं और उनकी आने वाली कई फिल्मों के लिए सभी लोग बड़े एक्साइटेड हैं। अब कार्ती बहुत ही जल्द एक और बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं। कार्ती की आने वाली नई फिल्म का नाम है जापान। फिल्म का नाम सुनकर लग रहा है कि फिल्म में हमें जापान से कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा, पर अभी इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फिल्म का अभी तक हमें कोई टीजर या कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिला है। इसलिए अभी हम फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ नहीं कह सकते। आने वाले कुछ ही दिनों में फिल्म का टीजर हमें देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म की स्टोरी को लेकर हमें काफी कुछ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए हमें फिल्म की स्टोरी जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और फिल्म में हमें लीड रोल में कार्ती ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ साउथ के कॉमेडियन और बेस्ट एक्टर सुनील भी देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म में फीमेल रोल की, तो फिल्म में हमें हीरोइन के रोल में साउथ की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनु इमनुएल देखने को मिलेंगी। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक राजू मुर्गन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। फिल्म के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सभी लोग फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, पर हिंदी ऑडियंस के लिए एक बुरी खबर है। मेकर्स की तरफ से फिल्म को हिंदी में रिलीज करने की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। फिल्म को कन्नड़, तमिल, मलयालम और भी कई लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, पर मेकर्स की तरफ से अभी फिल्म को हिंदी में रिलीज करने की कोई अपडेट नहीं दी गई है। पर हो सकता है कि आने वाले समय में हमें फिल्म की हिंदी रिलीज के बारे में कुछ अपडेट मिल जाए। मेकर्स ने अभी तक न ही फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है, पर मेकर्स का कहना है कि अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसको जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। इसके बाद ये फिल्म हमें 2023 की एंडिंग में देखने को मिल सकती है। जब तक हमें फिल्म का कोई टीजर देखने को नहीं मिल जाता, तब तक हमें फिल्म की न ही रिलीज डेट का पता चलेगा और न ही फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कोई खबर मिलेगी। यानी कि अभी हमें फिल्म के टीजर के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म का टीजर हमें आने वाले एक दो महीनों में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद फिल्म को लेकर कई सारी खबरें साफ हो जाएंगी। खबरें आ रही हैं कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं, यानी कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी हिंदी को छोड़कर साउथ की कई भाषाओं में रिलीज कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर फिल्म को साउथ की सभी भाषाओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो वो हिंदी में भी फिल्म को रिलीज कर दे। ये जानने के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।